शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे मम्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? अरे अशोक, अरे नमस्ते आशा जी, ये रेखा है मेरी पत्नी, और रेखा ये आशा जी हैं हमारी मकान मालकिन, और ये है इनके सुपुत्र सुनील। अशोक जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, शादी कर ली बताया भी नहीं। हमें बताया होता हम भी बाराती बनकर नाच लेते। खैर जाने दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भाभी जी बहुत खूबसूरत है। चलो रेखा, तुम्हें अपना किराए का घर दिखाता हूँ, आओ। क्या कर रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ, अभी मेरा मूड नहीं है, जाओ। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे बिना बताए शादी तो कर ली, हम उससे क्या उम्मीद रखते हो? आशा, वो जो कुछ भी हुआ एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि क्या जल्दी में हुआ? और क्या करता मैं आशा, तुम्हारी मिन्नतें कर करके मैं थक चुका था। शादी तुम्हें मुझसे करनी नहीं थी, और मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े हुए, क्या करता मैं जबरदस्ती शादी करवा दी मैंने। लेकिन मैं अपनी सिर्फ तुम्हें से प्यार करता हूँ, और यही बात बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे यकीन करो तुम्हारी बातें पर, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम ना उसके साथ जाकर खुश रहो, दरवाजा उधर है। आशा मेरी बात सुनो। आशा जाओ प्लीज। आशा मेरी बात तो सुनो। कहते हैं ससुराल में नई नवेली दुल्हन से कुछ मीठा बनवाने का रिवाज होता है, तो अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं, जरा चख के बताएंगे कैसे बने हैं। अरे वाह, लड्डू तुमने बनाए हैं? जी। तो फिर इनकी साइज इतनी अलग अलग क्यों है? कहते हैं कि किसी चीज को अगर प्यार से बनाया जाए तो वो एक बराबर बनते हैं, लेकिन ये क्या है? नहीं जी, एक जैसे हैं। अच्छा, एक जैसे हैं, ठीक है, चेक करते हैं। ये 10 ग्राम, और ये 12 ग्राम, और ये 15 ग्राम। ये क्या है? तुम तो कह रहे हो कि सब एक बराबर है। हाँ, जहर मिलाते वक्त बड़े छोटे बन गए ना। घर वालों ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग देकर ससुराल भेजा है क्या तुम्हें? हाँ नहीं जी। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तुम ये लड्डू खाओ। लो 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 लो, खाओ, एक ही साइज के ना।
तो एक साथ तीन चार लड्डू तो खा ही लोगी। खाओ खाओ खाओ, ये लो और खाओ खाओ खाओ। अब अगर शाम तक तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ी ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि इनमें जहर नहीं था। ओके, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे, समझी? नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? मैं तो यूं ही टहलने निकला था, आपको देखा, आप उदास सी खड़ी थी तो हालचाल पूछने चला आया। अब वैसे आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप ठीक हैं। और आपको पता है, सुंदर लड़कियों में ना एक कमी होती है, वो झूठ नहीं बोल पाती। नहीं तो तो यही बात स्माइल करके भी तो बोल सकते हो। हाँ, ये हुई ना बात। कितनी लाजवाब स्माइल है आपकी बाबूजी। काश हम भी ऐसे ही स्माइल कर पाते। खैर छोड़ो। अच्छा भाभी जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे? कहो। आपको ना मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए, सच में आप धूम मचा दोगी। अरे नहीं। और आपको पता है, मैं खुद फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक मॉडल बन के चार पांच फोटो क्लिक कर लो आपकी। नहीं नहीं। अरे भाभी जी मना मत कीजिए, मुझे कहाँ एग्जीबिशन में देना है। देखिए मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको तीन चार बेहतरीन फोटोज मिल जाएंगी। कितनी अच्छी स्माइल है भाभी जी, दो चार फोटोज प्लीज भाभी जी, मना मत कीजिए, एक दो फोटोज देखिए देखिए देखिए, स्माइल कीजिए भाभी जी। ये बात, हाँ इधर देखिए, बहुत बढ़िया। हाथ इस तरफ कीजिए, हाँ एक पल्लू पल्लू सर ऊपर ऊपर से, हाँ गर्दन गर्दन नीचे कीजिए थोड़ी सी। ये बात इधर इधर देखिए ना, ये बात बहुत बढ़िया भाभी जी, बहुत बढ़िया। ये ना हो गई मॉडलिंग। चलो अंदर जाओ, जाकर घर का काम करो। अशोक जी, बड़ी बुलंद तकदीर लिखवा कर लाया हूँ, कितनी खूबसूरत बीवी मिली है आपको, वाह। बेहतर होगा तुम रेखा से दूर रहो, समझे? और आपके लिए बेहतर होगा कि आप भी मेरे घर से दूर रहें, समझे? देखा, एक कटोरी नमक लेके आना। जी लाई। खाने में नमक डाला है या नमक में खाना, इसका स्वाद कैसा है अभी बताता हूं तुम्हें। अब पता चला कैसा है इसका स्वाद, अब ये पूरा तुम खाओगी, समझी? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अच्छा गलती हो गई, इतनी सजा तो मिलेगी। बिना सजा के गलती को सुधारा तो जा नहीं सकता। आप ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारी सजा ये है कि आज पूरी रात तुम घर के बाहर रहोगी, समझी? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, इतनी छोटी सी गलती के लिए। चलो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे। क्या हुआ, तुम घर से बाहर रो क्यों रही हो? दीदी उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? खाने में नमक ज्यादा हो गया था, दोनों मेरे सजा दिए। दीदी आप उनसे बात करो, मुझे अंदर जाना है। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ पहले। अशोक अशोक दरवाजा खोलो, मैं हूँ। अशोक ये क्या है, तुमने आधी रात को रेखा को घर से बाहर निकाला?
तो बाहर मेरी बुराई और शिकायत चल रही थी। देखा, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करी, वो बस अपनी तकलीफ बता रही। बेचारी कितनी डरी हुई है। डरी हुई? अशोक, क्या है ये? मेरा मन तो करता है कि उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूं, पर ये मैं मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। हम दोनों के मतलब? मैं रेखा को इतना परेशान कर दूंगा कि वो अपने आप मेरी जिंदगी से दूर चली जाए, और तुम भी सुनील के साथ ऐसा ही कुछ करो कि हम दोनों एक हो जाएं। या तुम नहीं चाहती कि हम दोनों एक हो? अशोक, पागल हो गए हो? तुम्हारा ये पागलपन ना हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर देगा। और अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो शादी क्यों की? अशोक, अब तुम्हारी शादी हो चुकी, अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, ये समझ जाओ। हमारे रिश्ते को यहीं खत्म करो और रेखा के साथ लाइफ आगे बढ़ाओ, समझे? मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। बेहतर होगा कि हम दोनों अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखें, समझे? लगता है अब मुझे कोई बहुत बड़ा कांड करना पड़ेगा जिससे सुनील और रेखा हम दोनों की जिंदगी से दूर हो जाए। ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rekha, happy birthday to you, birthday to you. Thank you. वाकई अशोक, एक तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, रेखा की पसंद का था। अरे और लो ना, अरे सुनील को भी दो ना। हाँ। अच्छा, मैं समोसे लेकर आती हूँ, ठीक है? रेखा, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी देखने? हाँ, क्यों नहीं, चलिए ना। अरे आप सब लोग भी केक लीजिए ना, प्लीज। और सुनील, क्या हो सुनील, ऐसे रूखे सूखे से क्यों खड़े हो? अरे खाओ पियो एंजॉय करो। हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा, आज तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा मैं ना तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक बनाता हूँ, ओके? ओके। ये लो, ये पियो पियो। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे। वाकई अशोक, रेखा ना बहुत अच्छी कुक है। मैं ना एक मिनट वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। अशोक, रेखा, सचमुच काफी दिनों बाद पार्टी करने का मौका मिला है। अरे तो करो ना पार्टी, रोका किसने है? मैं काम करता हूँ, मैं म्यूजिक और लाउड कर देता हूँ। ओके। हाँ।